अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 7 स्टैंडर्ड की 1.5 पोएम चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इसके वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सी, आपको स्टार्टिंग में ही पेज नंबर 23 पर इस पोएम के चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, इसके शायर निदा फजली, इनके बारे में कुछ मालूम दी हुई है, बट वो हम इस वीडियो में ना करते हुए जब हम पोएम का मानी जानेंगे उस वक्त हासिल करेंगे। सो राइट नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारे वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ से। सो यू कैन सी आपको पेज नंबर 23 पर पहला सवाल ही दिया गया है, थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेजन्स, यानी हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम हर एक अलग अलग वक्त पर अलग अलग काम करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर सराउंडिंग्स यूजिंग एट लीस्ट टू ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, यानी आपको रोज़मर्रा की लाइफ में या अलग अलग वक्त पर आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, किन चीज़ों का एहसास करते हैं आपके सराउंडिंग्स में, यानी आपके अतराफ में आप क्या क्या महसूस करते हैं, उसके बारे में हमको लिखना है। लेकिन इसके लिए हमको हमारे पांच जो हवास खमसा है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, ईयर्स, नोज़ या फिर टंग है, स्किन है, आइज़ है, इनका इस्तेमाल करके हम कौन सी चीज़ें फील कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में आपको सेंटेंसेस, जुमले लिखने हैं। सो यू हैव टू डिस्क्राइब योर इमोशंस एंड फीलिंग्स अलॉन्ग विथ योर सेंसरी एक्सपीरियंस, तो आपको वो आपके जो एक्सपीरियंस है, एहसास है, जो आप महसूस करते हैं, वो इन सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। सो यर सी, आपको उसके लिए ओकेजन्स भी दिए, 6 अलग अलग वक्त बताए गए हैं, वेरी अर्ली मॉर्निंग यानी सूरज उगने से पहले का वक्त, जैसे हम कह सकते हैं फजर का वक्त, अर्ली मॉर्निंग यानी जब सूरज थोड़ा उगा है, या फिर आफ्टर सनराइज, सूरज उगने के बाद थोड़ा सा वक्त। देन यू हैव नेक्स्ट एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर या असेंबली, जब हम स्कूल में दुआ के लिए रहते हैं, खड़े रहते हैं, या किसी भी काम के लिए एक साथ आते हैं, जमा होते हैं, उस वक्त लंच टाइम, लंच टाइम यानी खाने के वक्त, चाहे फिर आप घर पे खाओ या कहीं और, ऑन द प्लेग्राउंड यानी सूरज डूबने के वक्त, या एट द सनसेट, एंड लास्ट है बेड टाइम यानी सोते वक्त। तो आपको हेल्प के लिए साइड में देखिए आपके 5 सेंसेस का इस्तेमाल बताया गया है, जैसे व्हाट डू यू सी यानी आँखों से आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू हियर आप कानों से क्या सुनते हैं, व्हाट डू यू टेस्ट आप अपने ज़बान से क्या टेस्ट करते हैं, व्हाट डू यू फील और टच आप क्या महसूस करते हैं या फिर किसको टच करते हैं, एंड व्हाट यू स्मेल आप क्या सूंघते हैं, खुशबू या बदबू जो भी है। तो इन पांचों एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए, इन पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए हमको इन 6 अलग अलग वक्त के बारे में लिखना है। और आपको हेल्प के लिए नीचे कुछ अल्फाज दिए गए, देखो, स्ट्रॉन्ग विंड यानी ज़ोरों से छूटने वाली हवा, लाइट ब्रिज हल्की हवा, ब्राइट सनलाइट यानी सूरज का उजाला जो क्या है, ब्राइट है, थोड़ा तेज़ है, हॉट सन, हॉट सन यानी कड़कती धूप, डार्क यानी अंधेरा, पिच डार्क यानी एकदम घना अंधेरा जिसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते, प्लेजेंट यानी खुशी भरा, कूल ठंडा, कोल्ड भी ठंडा, सर्दी जैसे हॉट गर्म, वॉर्म थोड़ा गर्म, बर्ड्स चर्पिंग यानी परिंदों का या पंछियों का चहचहाना, बेल्स घंटियाँ, हॉर्न्स गाड़ी के जो हॉर्न्स रहते हैं वो, विसल्स यानी सीटियाँ, स्वीट साउंड्स यानी अच्छी मेलोडियस साउंड, नॉइस यानी आवाज़ हम यहाँ पे शोरगुल कह सकते हैं, क्वाइट शांत सन्नाटे वाला, सरीन भी चुपचाप, क्वाइट ऐसी चीज़, नाइस यानी अच्छा, नोबल यानी उम्दा, फ्री यानी कोई भी फ्री चीज़, और डिलीशियस यानी लजीज। तो इन वर्ड्स का, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करके हमको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। सो फॉर योर हेल्प मैंने आपको दो दो जुमले बना के दिए हर जगह पर, जैसे वेरी अर्ली मॉर्निंग में हम क्या कर सकते हैं, आई कैन हियर बर्ड्स चर्पिंग, आई कैन ऑल्सो फील द कूल ब्रीजेस यानी मैं पंछियों की आवाज़ सुन सकती हूँ कानों से, ठंडी हवा महसूस कर सकती हूँ स्किन। देन नेक्स्ट सेकेंड है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग यानी वो वक्त जब सूरज उगता है, सनराइज का वक्त, उस टाइम यू कैन से दैट आई कैन स्मेल टी बॉइलिंग, आपको पता है जब सूरज उगता है उस वक्त घरों घरों में सुबह की चाय पकती है, और इस वजह से हमको उस चाय पकने की खुशबू आती है, दैट यू स्मेल विथ योर नोज़। देन सेकेंड इज़ आई कैन ऑल्सो हियर नॉइज़ बिकॉज पीपल स्टार्ट वेकिंग अप, इस वक्त हमको थोड़ा शोरगुल सुनाई देता है बिकॉज लोग जागने लगते हैं। थर्ड
एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर्स एंड असेंबली, यानी स्कूल में जब दुआ का वक्त होता है उस वक्त हम कह सकते हैं दैट आई कैन हियर प्रेयर्स एंड रिपीट देम, मैं दुआएँ सुनता हूँ और उनको दोहराता हूँ। आई कैन सी माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों को भी इस वक्त देख सकता हूँ। लंच टाइम चौथा है, आई कैन टेस्ट द डिलीशियस फूड। आप टिफ़िन में या अगर घर पे हैं तो घर के खाने के वक्त जो लजीज खाना खाते हैं उसकी टेस्ट आप टंग से महसूस करते हैं। देन यू कैन ऑल्सो स्मेल द एरोमा फ्रॉम योर फ्रेंड्स टिफ़िन। अगर आप स्कूल में है तो आपके दोस्तों के टिफ़िन में जो खुशबू आती है, जो एरोमा आता है, हम वो अपने नाक से यानी इस सेंसरी ऑर्गन से फील कर सकते हैं। फिफ्थ है ऑन द प्लेग्राउंड। शाम के वक्त जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तब आप आपके सेंस ऑर्गन से क्या फील करते हैं? फर्स्ट वन, आई कैन सी एंड राइड माई बाइसिकल प्रॉपरली। हम देख कर साइकिल चला सकते हैं। लास्ट, आई फील हॉट व्हेन आई प्ले अलॉट। जब मैं बहुत खेलता हूँ तब मुझे गर्मी का एहसास मेरी स्किन बताती है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ बेड टाइम, सोते वक्त आई रीड सम प्रेयर्स एंड स्लीप। मैं कुछ दुआएं पढ़ती हूँ और सोती हूँ, या फिर आई हीयर होली सॉन्ग्स एंड स्लीप। आप कह सकते हैं इसे हम कोई नाच सुनते हैं या कोई भी गाना सुनकर सोते हैं। एंड इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी ऑन योर वे टू स्कूल एवरी डे, लिस्ट एटलीस्ट 5 ऑफ द प्लेसेस और पीपल। आप स्कूल आते वक्त आपको रास्ते पर क्या क्या दिखाई देता है, उसमें से किसी भी 5 लोगों का या 5 जगह का आपको यहाँ पर जिक्र करना है। पहला है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, आपका जवाब चेंज भी कर सकते हैं। आई सी मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, मैं रास्ते पे कई सारी गाड़ियाँ देखती हूँ। मैनी शॉप्स, कई दुकानें दिखती है। मैनी हाउसेस, कई घर दिखते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स, कई सारे जानवर और परिंदे दिखते हैं। एंड ऑल्सो माई स्कूल फ्रेंड्स ऑन द वे टू स्कूल, उसी के साथ मुझे मेरे स्कूल के दोस्त भी रास्ते पर ही मिल जाते हैं। तो इन सारे लोगों को मैं रास्ते पर देखती हूँ। तो उसमें से किसी 5 चीज़ जगहों का यहाँ पर जिक्र करना है जो मैंने लिया है। नंबर 1 हाउसेस, घर है, शॉप्स दुकानें, मस्जिद है, प्लेग्राउंड है और रिवर है। ओके, दैट्स इट। अभी इन सारे सवालों को सही से पढ़कर सुनकर आपको आपके नोटबुक में कॉपी करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।